जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कानून व्यवस्था और नागरिकता कानून को लेकर हमला बोला, तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आनन फानन में लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को घेर लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि सपा बसपा कांग्रेस में उपद्रवियों के पक्ष में 20-20 का मैच खेल रही है। जघन्य अपराधियों को, आतंकियों को सजा भी दी थी, वही अपनी पुनरावृत्ति, अपनी पुरानी जो उनकी कार्यशैली है, आदत है, उसको दोहराते हुए आज का ये वक्तव्य कि हम अपने शासनकाल में आने के बाद उनके मुकदमे वापस करेंगे। और यहां तक बोल गए कुछ लोग, उनके दल के सम्मानित नेतागण, कि हम रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो होंगे उनको यहां से जाने नहीं देंगे। पूरी दुनिया में लोग जो बाहर से घुसपैठिए होते हैं उनको बाहर जाने देंगे की बात करते हैं, यहां दल का लालच एक तुष्टिकरण की चरम सीमा को पार करते हुए यहां तक पहुंच गया कि वो घुसपैठियों को भी नागरिकता देने की बात कर रहे हैं।